Hey guys, welcome to my channel. Thank you for stopping by and watching this video. Now let's start our video. और इस वीडियो में जो भी मटेरियल चाहिए वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। यहां पे मैंने कार्डबोर्ड के इक्वल पीसेस कट कर लिए हैं और उसे टिश्यू पेपर से रैप कर लिए हैं। कार्डबोर्ड की जगह पे अगर आप वुडन या एमडीएफ के कटआउट्स लेंगे तो उसका लुक एंड फील बेटर आएगा। अगर आपके पास एमडीएफ या वुडन के कटआउट्स नहीं है तो आप कार्डबोर्ड से कैसे ये नेम प्लेट बना सकते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने इस वीडियो में कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं। अगर आप वुडन या एमडीएफ के कटआउट्स ले रहे हैं तो आपको उसको टिश्यू पेपर से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही उस पर कलर कर सकते हैं। यहाँ पे कार्डबोर्ड के पीसेस पर अच्छे से कलर मर्ज हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे उसको टिश्यू पेपर से कवर किया हुआ है। आप कटआउट्स पे टेक्स्ट या डिज़ाइन डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं या फिर उसे कार्बन पेपर की मदद से ट्रेस कर सकते हैं। फॉर टेक्स्ट एंड डिज़ाइन मैंने यहाँ पे एक्रेलिक पेंट और मार्कर दोनों का यूज़ किया हुआ है। एक्रेलिक कलर से अच्छे से हम टेक्स्ट फील कर सकते हैं और जो थिन लाइंस है, डिज़ाइंस है, वो हम मार्कर से अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आप मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन। नियॉन कलर्स और दिस काइंड ऑफ नेम प्लेट्स आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। अब हम इन तीनों पीसेस को कार्डबोर्ड की स्टिक से ही ज्वाइन कर लेंगे या फिर अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स है तो आप उससे भी इन तीनों पीसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप अगर अपने घर के लिए ऐसी ही कस्टमाइज नेम प्लेट बनाना चाहते हैं,
वुडन पे या फिर MDF पे, तो मेंशन किए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हम आपसे और भी डिज़ाइन शेयर करेंगे और आपकी पसंद के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हे फ्रेंड्स, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर अदर अमेजिंग टॉप वीडियोज़।